सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। तो कल हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में कल हमने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। आगे बात समझें कि समकोण त्रिभुज हमने लिया था, ए बी सी, ये हमने समकोण त्रिभुज लिया था, इसमें ये वाला कोण क्या है, 90 डिग्री है। आगे बात सुन, तो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो आपकी कहलाती है करण, और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजाई कौन सी होती है, करण। आगे बात सुन, और जिस कोण का, आगे बात, ये 90 डिग्री है और जिस कोण का आपको त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, तो मान लीजिए ये वाला कोण है थीटा, तो जिस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करना है उस कोण थीटा के सामने की भुजा आपकी क्या कहलाती है, लंब, जिसको कि L से निरूपित करते हैं, और जो तीसरी भुजा है वो आपकी क्या कहलाती है, आधार, A से निरूपित करते हैं। आगे बात सुन, तो कल मैंने आपको बता दिया कि ये जो एंगल है कौन सा, बी सी ए, यानी कि कोण सी, कोण सी कौन सा, बी सी ए, कोण सी को आप, जो कि क्या है, थीटा, जो कि क्या है, थीटा। तो इस कोण के आपको त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि कोण सी का साइन, कोण सी का साइन जो क्या होगा, साइन सी। आगे जहाँ पे सी क्या है, बी सी ए, ये वाला कोण, जिसको आप क्या लिख सकते हो, जो कि आपको क्या दिया, थीटा। आगे बात, इसी प्रकार कोण सी का कोसाइन, कोसाइन जिसको भी आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हो, कॉस, कॉस सी। सी क्या है, ये वाला एंगल बी सी ए, और सी हमने किस निरूपित किया, थीटा से, आप इसको क्या लिखोगे, कॉस थीटा। आगे बात सुन, इसी प्रकार कौन सी का टेंजेंट, टेन सी, आप लिख सकते हो इसको टेन थीटा, और कौन सी का कोटेंजेंट, कोट सी, इसको लिखो आप कोट थीटा, और कोण का सेकंड, सेक सी, यानी कि सेक थीटा, और को सेकंड, यानी कि कोसेक सी, कोसेक थीटा। आगे बात सुन, यानी कि कोण सी का, कौन सी कौन सा, ये कोण बी सी ए, आप ये वाला जो कोण है इसको आप कोण बी सी ए भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो कोण सी, या फिर इसको आप लिख सकते हो थीटा। ये देर का एंगल कितना, थीटा 45 डिग्री 30 डिग्री, जो भी आपको दिया हुआ रहेगा वो इसमें दिया हुआ है। तो इस कोण के हमने ये 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। आगे बात, तो इस कोण का जो साइन थीटा होगा वो इस समकोण त्रिभुज में लंब और करण का क्या होगा, अनुपात होगा, यानी लंब बट्टा का करण, यानी एल का मतलब लंब बट्टा के का मतलब करण, कोस थीटा आधार बट्टा करण होगा, टेन थीटा लंब बट्टा आधार होगा, कोट थीटा आधार बट्टा लंब होगा, सेक थीटा क्या होगा, करण बट्टा आधार, और कोसेक थीटा क्या होगा, करण बट्टा लंब। आगे बात, तो ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ ली थी, और हमने समकोण त्रिभुज में बोधायन प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, वो भी हमने पढ़ लिया था कि करण का स्क्वायर बराबर होता है किसका, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ ली। अब हम कुछ विशेष कोण है उनके हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। विशेष कोण यानी 0 डिग्री के, 30 डिग्री के, 45 डिग्री के, 60 डिग्री के और 90 डिग्री के, इनके हम क्या ज्ञात करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे, और फिर हम त्रिकोणमितीय अनुपात और कोणों की जो सारणी होगी वो सारणी हम बनाएंगे। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब देखिए, तो सबसे पहले देख लीजिए 0 डिग्री के, किसके, 0 डिग्री, 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय
अनुपात। अब ध्यान से देखना, एंगल क्या, 0 डिग्री। अब देखिए इसको समझना है आपको कि कैसे, ए बी सी आगे बात सुन, ये आपका जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री का है, आगे बात सुन, और यहाँ पे ये एंगल आपका क्या है, थीटा, आगे बात सुन, ये एंगल क्या है आपका, थीटा, आगे बात, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, करण, थीटा के सामने वाला लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधा। हमें किसका त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, 0 डिग्री के, किसके, 0 डिग्री। अब देखिए 0 डिग्री एंगल होता क्या है, आगे बात में हमें मतलब ये वाला जो कोण थीटा है इसको 0 डिग्री, ये 0 डिग्री कब होगा देखना ध्यान से। तो देखिए अगर मैं ये जो ए बी है, ए बी लेंथ को मैं छोटा करता जाऊँ, किसको, यहाँ ए से बी ये वाली जो लंब है इसको अगर मैं छोटा करता जाऊँ, तो ध्यान से देखना, अभी तो इसको मैंने थोड़ा और छोटा किया, ये देखिए इसको थोड़ा और छोटा कर दीजिए, ये देखिए, यानी कि ये जो बिंदु ए है, मान लीजिए ये बिंदु ए, मतलब ए बी को छोटा करना, ये बिंदु ए यानी इस तरफ आ रहा है, मान लीजिए बिंदु ए यहाँ पे आ गया, तो देखिए फिर क्या बन जाएगा, ये बन गया, ये बिंदु ए यहाँ पे आ गया, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बिंदु ए मान लीजिए यहाँ पे आ गया, क्या बन रहा है, ये बन रहा है। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे ए इस बिंदु बी की तरफ आ रहा है, ये जो थीटा है वो क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। देखिए इस कंडीशन में थीटा ये हो गया, इस कंडीशन में यहाँ से ये हो गया, इस कंडीशन में ये हो गया, और एक कंडीशन है कि जब ये बिंदु ए बी के ऊपर आ जाएगा, जब ये बिंदु ए बी के ऊपर आ जाएगा तो यहाँ से देखिए ये जो करण होगा, ये करण यहाँ से ये, यानी कि आधार के ऊपर क्या हो जाएगा, संपाति हो जाएगा, और करण और आधार जब संपाति हो जाएंगे तो इन, ये जो थीटा है वो किसके, करण और आधार के बीच का ही एंगल है, थीटा करण और आधार के बीच का एंगल है। जब करण खुद बी सी आधार के ऊपर आ जाएगा, संपाति हो जाएगा, तो जो करण और आधार के बीच का एंगल है वो क्या हो जाएगा आपका, 0 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। इस कंडीशन में देखिए ए सी करण और बी सी आधार दोनों एक दूसरे के संपाति हो जाएंगे, यानी दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, लेकिन ये जो लंब है ए बी वो देखिए, क्योंकि ए बी के ऊपर आ गया तो लंब ये ए बी है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आ रही ना बात समझ में, क्लियर है, यानी कि ये वाला जो कोण है थीटा, ये 0 डिग्री कब होगा, ये जो थीटा है ये 0 कब होगा, जब करण और आधार, जब करण और आधार एक दूसरे के संपाति हो जाएंगे, या यूं कहें कि बिंदु ए जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगा तो इसको मिलाते जाइए, करण क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होते होते एक कंडीशन में करण आधार के बराबर हो जाएगा, यानी आधार के संपाति हो जाएगा, और लंब 0 हो जाएगा, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री एंगल क्या होता है, जैसे देखिए ये क्या है, मान लीजिए ये 30 डिग्री है, थोड़ा और छोटा कीजिए, जैसे यहाँ पे ये, तो ये कुछ और छोटा हो गया, यहाँ से ये, तो ये एंगल और छोटा हो गया, ये और छोटा हो गया, और एक कंडीशन ऐसे आएगी जैसे जैसे ये जो रेखा है इसके ऊपर ही आ गई, ये जैसे ही ऊपर आ गई एंगल क्या हो गया, ये 0 डिग्री हो गया, यही तो यहाँ पे करना है। आ रही बात समझ में, जैसे जैसे ये छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, करण आधार के ऊपर आ गया, आधार के ऊपर आते ही एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया, आगे बात समझ में। तो देखिए यहाँ से अब ध्यान से देखना, अब जब थीटा यानी ये वाला एंगल थीटा बराबर 0 डिग्री, आगे बात सुन, तो इस समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, अब ये समकोण त्रिभुज है, इस त्रिभुज में थीटा 0 डिग्री होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि ए सी करण बराबर हो जाएगा किसके, आधार बी सी के, जब करण और आधार बराबर हो जाएंगे यानी एक दूसरे के संपत्ति यानी बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा थीटा 0 डिग्री, और इस कंडीशन में ये जो ए बी लंब है ये क्या हो जाएगा, 0, यानी जो लंब है उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और आधार और करण क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के संपाति हो जाएंगे यानी कि बराबर हो जाएंगे, आगे बात। अब देखिए ए सी बी सी ए बी आ गया 0, अब ध्यान से देखना, तो ये जो कोण थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री, तो 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात साइन 0 डिग्री, आगे बात। अब साइन क्या होता है,
लंबटाकरण, साइन क्या होता है लंबटाकरण। आगे बात समझ, अब देखिए लंब क्या है ए बी, बटाकरण क्या है ए सी। आगे बात समझ, अब ए बी लंब क्या हो गया, देखिए जीरो डिग्री है तो लंब क्या होगा जीरो, तो जीरो बटा ए सी, तो जीरो बटा ए सी यानी कि जीरो को किसी से भी गुणा करो क्या आएगा जीरो, तो साइन जीरो डिग्री का मान क्या आएगा जीरो। आगे बात समझ, तो कोस जीरो, कोस जीरो क्या होता है आधार बटा करण, क्या होता है आधार बटा करण, तो आधार क्या है आपका बी सी और करण क्या है आपका ए सी। यहां से देखिए ए सी बराबर है बी सी के, जब जीरो डिग्री होगा तो ए सी और बी सी आपस में क्या हो जाएगा करण और आधार आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, तो करण और आधार आपस में बराबर है तो आधार बटा करण क्या होगा, ये दोनों आपस में बराबर है इसका मतलब आपस में कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा वन। हरी बात में, तो कोस जीरो डिग्री का मान क्या हो गया वन। आगे बात में, अब देखिए टेन जीरो डिग्री का मान, टेन क्या होता है लंब बटा आधार, टेन क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब क्या ए बी बटा आधार क्या बी सी। अब आपको पता है ए बी जीरो डिग्री है तो लंब क्या होगा जीरो, तो ये ए बी का मान जीरो है और बी सी इसका मान जीरो, तो क्या हो जाएगा जीरो। आगे बात समझ, तो यहाँ से और निकाल लीजिए कोट, कोट जीरो डिग्री, कोट क्या होता है आधार बटा लंब, आधार क्या बी सी बटा लंब क्या ए बी। आगे बात समझ, तो आधार बी सी ए बी का मान क्या है जीरो, तो जीरो का किसी में भी भाग देंगे, यहाँ पे आधार तो बी सी जो कि जीरो है नहीं, आगे पास में लंब जीरो है बटा यानी ए बी ये जीरो है, तो जीरो का किसी में भी भाग देंगे तो क्या आ जाएगा इन्फाइनाइट, तो कोट जीरो का मान क्या होगा इन्फाइनाइट। अब बात करते हैं किसकी, सेक जीरो डिग्री, सेक क्या होता है देखिए कोस होता है आधार बटा करण, तो सेक क्या होगा करण बटा आधार, करण बटा आधार, करण क्या ए सी, आधार क्या बी सी। अब देखिए ए सी और बी सी तो आपस में क्या है, जब जीरो डिग्री है तो ए सी और बी सी आपस में क्या बराबर, तो ए सी और बी सी आपस में बराबर तो एक दूसरे कट जाएंगे क्या आएगा वन, और कोसेक जीरो डिग्री इसका मान कोसेक जीरो डिग्री। अब देखिए लंब बटा करण साइन होता है तो करण बटा लंब क्या होगा कोसेक। आगे बात समझ, अब देखिए करण क्या है ए सी, लंब क्या है ए बी, लंब क्या है ए बी। आगे बात समझ, अब देखिए ए सी ये करण, लंब ए बी, ए बी जो क्या है जीरो डिग्री, सॉरी ए बी जीरो डिग्री क्या है, कौन जीरो डिग्री ए बी क्या है ये लेंथ, आगे बात समझ लंब, लंब की लंबाई क्या है यहाँ पे जीरो, तो जीरो का किसी में भाग देंगे क्या आएगा इन्फाइनाइट। आगे बात, तो ये सब के मान निकाल लिए हमने, साइन जीरो, कोस जीरो, टेन जीरो, कोट जीरो, सेक जीरो, कोसेक जीरो, तो ये तो हो गए जीरो डिग्री के माप। जब हम ये वाला एंगल जीरो कब होगा, जब ये करण, ये जो करण है वो नीचे आता जाएगा ऐसे, तो देखिए ये एंगल छोटा होता जाएगा और ये कंडीशन ऐसी आएगी नीचे आता 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 आधार के ऊपर संपाति हो जाएगा। आगे बात में, तो आधार के ऊपर संपाति होते ही क्या हो जाएगा एंगल जीरो हो जाएगा, लेकिन उस कंडीशन में ये जो लंब है ये छोटा होता 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 क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। आगे बात में, तो लंब ए बी जीरो, करण और आधार आपस में बराबर, क्लियर है। तो ये हो गए आपके जीरो डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब और देख लेते हैं, अब देख लीजिए 90 डिग्री के, किसके 90 डिग्री के, तो जीरो डिग्री के हमने कर दिए 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखना 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, ये ए बी सी, ये वाला कोण तो क्या है समकोण त्रिभुज है, तो ये आपका करण है। आगे पास में, अब यही वाला कोण थीटा, तो ये क्या हो गया लंब और ये क्या हो गया आधार हो गया। अब देखिए ये वाला कोण क्या होना है, अभी देखिए अभी ये कोण 90 डिग्री नहीं है क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों कोण क्या होंगे न्यून कोण होंगे, तो इस कोण के साइन थीटा, अब ये थीटा 90 डिग्री होगा कब, ध्यान देना ये थीटा 90 डिग्री कब होगा, देखिए ध्यान से देखना
जैसे जैसे ये बिंदु सी इधर आएगा, थोड़ा सा बड़ा लेके देख लीजिए, ये तो 90 डिग्री है, ए बी सी, ये वाला एंगल थीटा। अब देखिए जैसे जैसे ये बिंदु सी जो है, ये बिंदु सी इस तरफ आएगा, तो ध्यान से देखना, मान लीजिए बिंदु सी यहाँ पे आया, आगे बात में, तो ये थीटा ये हो गया। अब ध्यान से देखना, जैसे जैसे ये सी इस तरफ आ रहा है, ये जो थीटा है ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे आ गया, देखिए और बड़ा बड़ा हुआ, आ रही बात में, जैसे जैसे इसके करीब आएगा ये क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा हो रहा है, और करीब आ गया, देखिए जैसे जैसे आ रहा करीब बड़ा हो रहा है। एक कंडीशन ऐसा आएगी कि ये जो बिंदु सी है यहाँ पे, जैसे इसके बहुत करीब आ गया, बहुत करीब आ गया, तो जैसे जैसे करीब आएगा ये वाला एंगल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक कंडीशन, जैसे ये बिंदु सी बी के ऊपर आ जाएगा, तो एकदम ऐसे ये करण, देखिए अभी अभी करण का देखिए एंगल तिरछा है, जैसे करण एकदम बिल्कुल आता था सीधा सीधा आता, एकदम इसके ऊपर ऐसे सीधा हो जाएगा, तो करण इस बी सी आधार के ऊपर क्या हो रहा है, लंब हो रहा है, तो ये जो एंगल है वो क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। यानी कि जैसे जैसे ये जो सी है आ रही पास, एसी एसी रेखा इस तरफ आ रही है, जैसे 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 पास में आ रही है, पास में आ रही है, पास में आ रही है, तो ये जो एंगल है थीटा ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक कंडीशन ऐसे आएगी जब एसी करण लंब के संपाती हो जाएगा, किसके, लंब के, यानी एसी जो करण है वो ऐसा आता था किसके, एबी के ऊपर आ जाएगा, तो जैसे एबी के ऊपर आ जाएगा देखिए एकदम सीधी रेखा क्या हो जाएगा वो एंगल, ये थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। आगे बात में, तो थीटा 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री कब होगा, जब एसी और लंब यानी करण और लंब संपाती हो जाए, करण एसी बराबर हो जाए किसके, एबी के, करण एसी किसके बराबर हो जाएगा, एबी यानी लंब के बराबर हो जाए। और जैसे ये बिंदु सी इस तरफ आएगा, करण एसी इस तरफ आ रहा है यानी बिंदु सी इस तरफ आ रहा है, तो ऐसे संपाति कब होगा, जब सी बी के ऊपर आ जाएगा, तो जब सी बी के ऊपर आ जाएगा ये दोनों बिंदु सब, तो आधार क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि बी सी जो आधार है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बी सी आधार वो क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। आगे बात में, तो 90 डिग्री कंडीशन में ये वाली कंडीशन बनेगी। अब वही आपको सूत्र लगाने के, साइन 90 डिग्री, तो साइन थीटा हमेशा ही क्या होता है, लंब बटा करण होता है, लंब बटा करण, तो लंब क्या है, ए बी, बटा करण क्या है, ए सी। अब ये थीटा 90 डिग्री होगा कब, जब लंब और करण दोनों संपाति हो जाएंगे यानी दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ए सी और ए बी दोनों बराबर है तो आपस में कट जाएंगे, क्या आएगा, वन, तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, वन। आगे बात, अब कॉस 90 डिग्री, कॉस क्या होता है, आधार बटा करण, कॉस क्या होता है, आधार बटा करण, तो आधार बी सी बटा करण ए सी, बी सी बटा ए सी। अब देखिए ये एंगल 90 डिग्री कब होगा, जब सी और बी एक दूसरे के संपाति हो जाएंगे, यानी ए सी और ए बी एक दूसरे के संपाति हो जाएंगे, उस कंडीशन में आधार बी सी है क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो आधार बी सी जीरो और ए सी कुछ भी हो क्या फर्क पड़ेगा, जीरो से गुणा क्या हो गया, जीरो। आगे बात समझ में, क्लियर है, तो कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है, जीरो। अब टेन 90 डिग्री क्या होता है, लंब बटा आधार, टेन क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब यानी ए बी, आधार यानी बी सी, ए बी बटा बी सी आधार क्या है यहाँ पे, जीरो, तो किसी की भी संख्या में जीरो का भाग देंगे तो क्या आएगा, इन्फानेट, तो टेन 90 डिग्री का मान क्या आता है, इन्फानेट। आगे बात समझ में, अब देखिए अब यहाँ से आप सीधा ही निकाल सकते हो, कोट, कोट 90 डिग्री क्या होगा बताइए, टेन लंब बटा आधार, तो आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार क्या है, बी सी, लंब क्या है, ए बी, तो आधार तो क्या है, जीरो बटा ए बी क्या हो जाएगा, जीरो, तो कोट 90 डिग्री का मान क्या हो गया, जीरो। आगे बात सुने, सेक 90 डिग्री, सेक क्या होता है, देखिए आधार बटा करण क्या हो गया, कोस, तो कोस का उल्टा सेक यानी करण बटा आधार, करण बटा आधार, करण क्या है, एसी, आधार क्या है, बीसी, तो एसी बटा बीसी जो आधार है वो क्या है, जीरो, तो जीरो को किसी में भी भाग देंगे क्या आएगा, अनंत,
इन्फानेट। आगे बात से और लास्ट देख लीजिए कोसेक 90 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री यानी कि कर्ण बटा लंब, कर्ण एसी लंब एबी, कर्ण और लंब एक दूसरे के संपात होंगे तो ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री। आगे बात से तो जब एंगल 90 डिग्री है उस कंडीशन में कर्ण और लंब दोनों क्या है संपात यानी आपस में बराबर है तो आपस में कहीं चलो क्या आ गया 1 आ गया। आगे बात तो साइन 90 डिग्री का मान, कोस 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री, कोट 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री और कोसेक 90 डिग्री ये सब इनके मान आ गए। आगे बात समझ में। अब देखिए 90 डिग्री के भी हो गए तो 0 डिग्री का ज्ञात कर लिया, 90 डिग्री का ज्ञात कर लिया। आगे बात समझ में। अब ध्यान से देखिए अब हम 45 डिग्री का ज्ञात कर लेते हैं, किसके 45 डिग्री के। आगे बात में तो 45 डिग्री का कैसे ज्ञात करेंगे ध्यान से देखना। थोड़ा सा बड़ा बना इसको, ये 90 डिग्री मान लेते हैं, ये कोण क्या है 45 डिग्री। आगे बात में तो ये वाला कोण भी तो क्या होगा 45 ही होगा, 90। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, ये 90 डिग्री है और ये हमने मान लिया 45 डिग्री है तो ये जो बचा है वो कितना होगा 45, 45 45 90 90 90 180 ए पी सी। आगे बात अब यहाँ से ध्यान से देखना आपको क्या दिख रहा है, ये 45 ये 45, इसका मतलब ये जो त्रिभुज है वो क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएँ क्या है इसकी बराबर कौन सी बी सी और ए बी। समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, अगर कोई त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है दो भुजाएं बराबर है यानी कि दो भुजाएं जो बराबर होगी तो दो एंगल भी क्या होंगे आपस में बराबर, उन भुजाओं के सामने के जो कोण है वो आपस में क्या होंगे बराबर, ये थीटा है ये थीटा है। आगे बात यानी कि ए बी सी, अगर ए बी ए बी बराबर है ए सी, एक समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है जिसके दो भुजाएं बराबर, या हमने मान लिया ए बी और ए सी आपस में बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज में जो बराबर भुजाएं हैं उनके सामने के कोण भी आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ पे ये 45 डिग्री है ये 45 डिग्री है। आगे बात दो कोण बराबर है, दो कोण बराबर है यानी कि ये क्या होगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो कोणों के सामने वाली बी सी और ये ए बी आपस में क्या होगी बराबर होगी समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए मान लेते हैं अब ए बी बराबर क्या है बी सी। आगे बात समझ क्लियर है। अब आपको जो भी एंगल किसी का 45 डिग्री चाहिए यहाँ से लो चाहे यहाँ से लो आपको 45 डिग्री का ज्ञात करना है। आगे बात में क्योंकि लंब और आधार दोनों ही आपस में क्या है बराबर है तो इसको लंब लो तो भी सेम ही है, इसको लंब लो तो भी सेम है तो यहाँ से आप ये वाला 45 लोगे तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, ये वाला 45 लोगे तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, लेकिन दोनों ही आपस में क्या है बराबर है क्यों, क्योंकि ये क्या बन गया समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएँ बराबर कौन सी कोणों के सामने की भुजाएँ क्या होती है दो समान कोणों के सामने की भुजाएँ क्या होती है बराबर होती है। आगे बात समझ क्लियर है तो ए बी बराबर क्या आ गया बी सी। आगे बात अब मान लेते हैं कि बी सी क्या ए तो ये भी क्या होगा ए, तो ए बी ए ये दूरी यानी कि ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या बराबर मान लेते हैं ये क्या ए तो ये भी क्या है ए। आगे बात समझ तो ये ए है ये ए है तो कर्ण क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आगे बात सुन आधार का स्क्वायर यानी आधार क्या लिया हमने ए ए स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर तो आधार और लंब तो आपस में बराबर है यानी कि ए स्क्वायर तो क्या हो गया 2a²। आगे भाई ये तो कर्ण का स्क्वायर आ गया तो कर्ण क्या आ जाएगा रूट 2a² यानी के बराबर 2 रूट 2a। तो अगर ये ए है ये ए है तो कर्ण क्या होगा रूट 2a, क्या होगा रूट 2a। आगे बात समझ तो ये तो हम मान के चल रहे हैं कि ये भुजा ए है तो ये भी क्या होगी ए तो कर्ण क्या होगा रूट 2a। अब आप निकाल लीजिए देखिए ये वाला 45 डिग्री है तो 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है आपको तो ये क्या हो गया आपका लंब, ये क्या हो गया आपका आधार, ये क्या आपका कर्ण तो साइन 45, साइन 45 क्या होता है लंब बटा कर्ण तो लंब क्या है ए बी बटा ए सी, ए बी हमने क्या लिया ए ए सी क्या गया रूट 2a ए बटा रूट 2a तो
ए से कैंसिल हो गया, क्या आया 1/√2। साइन 45 डिग्री मान क्या है 1/√2। कोस 45 डिग्री आधार ए बटा करण रूट टू ए, क्या ए से कैंसिल 1/√2। तो कोस 45 डिग्री का मान भी क्या आया 1/√2। आगे बात सुन, टेन 45, टेन क्या होता है आधार ए बट्टा लंब, सॉरी लंब बट्टा आधार, तो लंब बट्टा आधार, लंब भी क्या है ए, आधार भी क्या है ए, बराबर आपस में, तो क्या गया 1। कोट 45 आधार ए बट्टा लंब, ये भी ए, क्या गया 1। आगे बात सुन, तो कोट 45 का मान क्या गया लंब आधार बट्टा लंब, तो आ गया आधार ए और लंबी ए। अब बात करते हैं किसकी, सेक 45 डिग्री, सेक क्या होता करण बटा आधार, करण बटा आधार ये होता सेक, तो ए से कैंसिल आ रहा है, क्या आ रहा है √2। कोसेक, कोसेक 45 करण बटा लंब, ए से कैंसिल हो रहा है, क्या आ रहा है √2। तो ये किसके मान आ गए आपके 45 डिग्री के मान आ गए। आगे बात सुन, तो ये आ गए आपके किसके 45 डिग्री के मान आ गए, क्लियर। तो 45 डिग्री माने से 45 डिग्री में क्या होगा लंब और आधार दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। आगे ना बात समझ में क्लियर है। अब देखिए, अब बाकी हमने 0 ज्ञात कर लिया, 90 ज्ञात कर लिया, 45 ज्ञात कर लिया, अब 30 और 60 के आपको ज्ञात करने, तो 30 और 60 के ज्ञात करने के लिए हम एक समबाहु त्रिभुज लेंगे। क्या लेंगे, समबाहु त्रिभुज जिसकी की तीनों भुजाएँ क्या होती है आपस में बराबर, तीनों भुजाएं आपस में क्या है बराबर है, एक समबाहु त्रिभुज लेंगे जिसकी की तीनों भुजाएं आपस में बराबर। आगे बात सुन, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, मान लेते भुजा क्या 2a, तो ये 2a, तो ये भी क्या होगी 2a और ये भी क्या होगी 2a। आगे बात सुन, हमने मान ली कुछ ना कुछ होगी, तो हम मान के चल रहे हैं कि 2a, तो तीनों ही भुजाएं क्या होगी 2a 2a 2a। अब समबाहु त्रिभुज का एक और होता है कि समबाहु त्रिभुज का जो तीनों कोण होते हैं आपस में बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये वाला जो एंगल है वो भी क्या होगा 60 डिग्री होगा। आगे ने बात समझ, ये वाला एंगल, तीनों कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। आगे बात समझ में, तो ये वाला एंगल 60 60, ये भी क्या होगा 60 ही होगा। अब देखिए, हमें 30 और 60 के ज्ञात करने, इसके लिए हम करेंगे क्या, ये जो शीर्ष ए है इससे हम एक लंब खींचेंगे, किस पर, सामने वाली भुजा पर, शीर्ष ए से सामने वाली भुजा पर क्या खींचते हैं लंब खींचते हैं, लंब यानी कि समझ गए आप 90 डिग्री, यानी ये जो रेखा है ये इसके साथ में क्या बनाएगी 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अब देखना, समबाहु त्रिभुज में सिर से सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि मान लेते ये यहाँ पे डी ए, दो बराबर यानी बी डी ए होगी और डी सी भी क्या होगी ए, टोटल क्या 2a, और ये जो लंब है ए डी वो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो ये टोटल 2a है, तो ये क्या हो जाएगी ए और ये भी क्या हो जाएगी ए। और सिर से सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब इस कोण को भी दो बराबर भागों में बांटता है, इस कोण को भी क्या करता है दो बराबर भागों में बांटता है, यानी ये पूरा कोण क्या 30 डिग्री, तो ये जो रेखा है इस कोण को दो बराबर यानी कि 30 डिग्री, ये सॉरी पूरा क्या 60 डिग्री, तो ये इसको दो बराबर भागों में 30 डिग्री में बांटेगा। आगे बात समझ, अब देखिए 30 डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया, और ये क्या है 90 डिग्री, तो ये ध्यान से देखना है यहाँ पे, ये क्या बन गया एक समकोण त्रिभुज बना कि नहीं बना, ये समकोण त्रिभुज बन गया। आगे बात समझ, जहाँ ये हो गया करण, अब अगर 60 डिग्री लेना है तो इसके लिए तो ये हो जाएगा सामने वाला लंब और ये हो जाएगा आधार, अगर 30 डिग्री ये वाला ज्ञात करना है तो इसके लिए ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। आ रही बात समझ में, तो अब देखना ध्यान से, तो अब आपके पास में ये दे रखी है 2a और ये वाली दूरी है a, तो बताइए ये वाली दूरी क्या आएगी, अब समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज करण का स्क्वायर, करण क्या है 2a, तो इसका स्क्वायर 4a स्क्वायर, करण का स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, प्लस आपको ये ज्ञात करनी है ए डी का स्क्वायर। आगे बात में, तो यहाँ से ए डी स्क्वायर बराबर क्या आएगा,
इसको इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा 3a इसको, तो यहाँ से AD बराबर क्या आ जाएगा रूट 3a, तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी रूट 3a। आगे बात समझ में, तो अब आपको ज्ञात करना है वो ज्ञात कर लीजिए, रूट 3a a 2a और ये 60 डिग्री ये 30 डिग्री। अगर आपको 60 डिग्री की ज्ञात करना है तो साइन 60 डिग्री क्या होगा देख लीजिए, अब ये वाला कोण ज्ञात करें तो इसके लिए ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, तो साइन 60 डिग्री क्या होगा लंब बटा करण, लंब क्या हो गया रूट 3a बटा करण क्या हो गया 2a, a से कैंसिल हो गया क्या गया रूट 3 बटा 2। कोस 60 डिग्री आधार बटा क्या करण, आधार क्या a करण क्या 2a, तो कैंसिल हो गया ऐसे क्या आएगा 1 बटा 2। टेन 60 डिग्री लंब बटा आधार, लंब क्या हो गया रूट 3a बटा आधार a, ऐसे कैंसिल हो गया क्या आ गया रूट 3। और टेन कोट 60 डिग्री आधार बटा लंब, आधार क्या a लंब क्या है रूट 3a, तो ऐसे कैंसिल हो गया क्या आ गया 1 अपॉन रूट 3। सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री सेक क्या हो जाए करण क्या है 2a, करण बटा आधार क्या है a, करण क्या 2a आधार क्या a, तो क्या हो गया a से कैंसिल 2। कोसेक 60 डिग्री करण 2a बटा लंब रूट 3a, तो क्या आ जाएगा 2 बटा रूट 3। ये तो आ गए किसके 60 डिग्री। अब आपको ज्ञात करना है 30 डिग्री के, 30 डिग्री यानी ये वाला, तो अब ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, तो साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा लंब, अब जो कोण ले रहे हैं उसके सामने वाला लंब होता है और ये पास वाला जो इसके साथ में वो क्या होता है आधार, तो लंब क्या हो जाएगा a बटा करण क्या है 2a, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या गया 1 बटा 2, साइन 30 डिग्री मान क्या 1 बटा 2। कोस 30 डिग्री का मान, हाँ आधार रूट 3 a बटा करण, तो क्या हो गया रूट 3 बटा 2। टेन 30 डिग्री का मान लंब, लंब क्या हो गया a बटा आधार क्या हो गया रूट 3a, a से कैंसिल हो गया 1 अपॉन रूट 3। कोट 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, हाँ आधार रूट 3a बटा लंब a से कैंसिल क्या आ गया रूट 3। सेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा करण, करण क्या है 2a बटा आधार, आधार क्या है रूट 3a, a से कैंसिल हो गया क्या आ गया 2 बटा रूट 3। और अब सेक, अब किसका कोसेक, कोसेक 30 डिग्री का मान क्या आ जाएगा करण 2a बट्टा लंब a, ऐसे कैंसिल हो गया क्या आ गया 2। तो ये जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री इन सब के हमने त्रिकोणमितीय अनुपात और ये जितने ज्ञात किए ये आपको याद रखना है। अब ये याद कैसे करना है इसके लिए हम बनाएंगे इसकी सारणी। तो चलिए याद करने का तरीका बता देते हैं आपको। देखिए सारणी बनाएंगे, डिग्री या रेडियन, डिग्री या रेडियन माप, आगे बात समझ में, डिग्री या रेडियन माप आगे बात में, और इधर हम लिख देंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, आगे बात में ये लीजिए, हाँ यहाँ पे ये क्या थीटा, आगे बात में यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, आगे बात में। अब इधर एंगल लेंगे, अब देखिए डिग्री माप
और रेडियन माप, ये भी आपको मैंने बताया था कि देखिए चेंज करने का तरीका देख लीजिए। पहले डिग्री माप लिख देते, जीरो डिग्री, जीरो डिग्री, तीस डिग्री, पैंतालीस डिग्री, साठ डिग्री और नब्बे डिग्री। आगे बात सुन, अभी इनके माप आपको ज्ञात करने हैं। ये सारणी आपको याद रखनी है। आगे बात सुन, ये तो डिग्री माप हो गया, अब रेडियन में इसको क्या लिख सकते हो आप? देखिए डिग्री माप को रेडियन में लिखने का तरीका ये है आपके पास में, कि डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, चाहे रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, तो उसके लिए कैसे करते हैं? डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं? तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए आप ऐसा कीजिए, डिग्री माप को गुणा कर दीजिए। डिग्री माप को किससे गुणा कर दीजिए? पाई बटा 180 से। डिग्री माप को किससे गुणा कर दीजिए? पाई बटा 180 को। ये तो है किसका? डिग्री को रेडियन में चेंज करने का, रेडियन में चेंज करने का तरीका है। और रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो जो रेडियन माप है उसको किससे गुणा कर दीजिए? 180 बटा पाई से। रेडियन माप को 180 बटा पाई से गुणा कर दीजिए तो आपके पास में क्या आ जाएगा? डिग्री माप, यानी कि जो माप आएगा वो किस में आ जाएगा? डिग्री में आ जाएगा। अब देखिए जीरो डिग्री है, इसको रेडियन में चेंज करना है तो डिग्री माप को किससे गुणा कर दीजिए? पाई बाई 180 से। तो डिग्री माप क्या है अपना? जीरो डिग्री। जीरो को पाई बाई 180 से करेंगे तो क्या आएगा? जीरो ही आएगा। क्या आएगा? जीरो। अब 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो डिग्री माप 30 डिग्री, डिग्री माप को किससे गुणा कर दीजिए? पाई बाई 180 से। तो देखिए यहाँ से गुणा करेंगे, जीरो से जीरो, तीन से ये, क्या आ गया? छः, यानी पाई बाई 6। ये किस में? रेडियन में। आगे पास में 45 डिग्री को, तो 45 को गुणा कर दीजिए किससे? पाई बाई 180 से। तो 45 90 कितना? चार बार कट गया, तो क्या आ गया ये? पाई बाई 4। आगे बात समझ में। और 60 डिग्री, तो इसको भी रेडियन में चेंज करना है तो 60 को किससे गुणा कर दीजिए? पाई बाई 180 से। 6 तेरी 18 कितना आ जाएगा? पाई बाई 3। और 90 डिग्री को चेंज करना है तो 90 को पाई बाई 180 से गुणा कर दीजिए तो 90 2 कितना आ गया? पाई बाई 2। आगे बात समझ में। तो ये हो गया। अब वापस फिर वही बात, अगर रेडियन में दे रखे, रेडियन को आपको डिग्री में चेंज करना है तो कैसे करोगे? रेडियन माप को 180 बटा पाई से गुणा कर दीजिए। जैसे ये रेडियन माप है पाई बाई 3, इसको अगर मैं 180 बटा पाई से गुणा करूँ तो पाई से पाई कैंसिल, 3 से ये कितना आ गया? 60 डिग्री। तो क्या आ गया? डिग्री माप आ गया। तो इस प्रकार आप डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में चेंज कर सकते हो। आगे बात समझ। अब देखिए, अब हमने ये कर दिया साइन जीरो डिग्री, तो साइन थीटा यानी कि साइन जीरो डिग्री कितना होगा? तो जीरो डिग्री का हमने माप तो निकाला ही था। आगे बात समझे, वो सारे माप अब आपको करना कैसे? देखिए आप ऐसा कीजिए, यहाँ पे क्या लिखना है आपको? जीरो। यहाँ पे लिख दीजिए 1, यहाँ पे लिख दीजिए 2, यहाँ पे लिख दीजिए 3, यहाँ पे लिख दीजिए 4। ये चीज़ें लिख दी। केवल किसके लिए? मैं साइन के लिए बता रहा हूँ। किसके लिए बता रहा हूँ? अभी साइन के लिए बता रहा हूँ। ये लिख दिया, अब क्या कीजिए, इनमें सब में 4 का भाग दे दीजिए और क्या कर दीजिए? रूट कर दीजिए। आगे बात समझ में। 0, 1, 2, 3, 4 लिखा और सब में 4 का भाग दिया और ऊपर क्या कर दिया? रूट कर दिया। तो देखिए 0 बटा 4 क्या होता है? 0, और रूट 0 क्या होगा? 0। तो ये किसका मान आ गया? साइन 0 का मान। आगे बात समझ। देखिए रूट 1 1 और 4 का रूट क्या हो जाएगा? 2, यानी क्या आ गया? 1/2। ये क्या हो जाएगा? 2/4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? 1/2। 1/2 का रूट क्या हो जाएगा? 1/√2। ऊपर क्या हो गया? √3। और 4 का रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। और ये 4/4 1, इसका क्या आ गया? 1। बस ये तरीका किसका है? साइन के ज्ञात करने का तरीका है। किसका ज्ञात करने का? साइन का ज्ञात करने का तरीका। बस ये एक ही तरीका आपको देखना, ये तरीका है। या तो आप चाहो तो साइन थीटा यानी साइन जीरो का मान, आप साइन 30 का मान, साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 का, ये याद कर लो।
अगर याद नहीं हो रहा है, सारणी नहीं बन रही है, तो ये वाला तरीका भी है। आप 0, 1, 2, 3, 4 लिखिए, सब में 4 का भाग दीजिए और उनका क्या कर दीजिए, रूट कर दीजिए। तो रूट करोगे तो देखिए सबका ये आ गया। तो ये हो गया किसका, आपका साइन का। क्लियर है? अब देखिए, अब कोस की सारणी बनानी है, यानी कोस 0 क्या होगा, कोस 30, कोस 45, कोस 60, कोस 90, ये क्या होगा। तो करना कुछ नहीं है, जैसा आपने साइन का लिखा है इसका उल्टा लिख दीजिए इधर से, यानी कि 1 वहाँ लिखा है तो 1 यहाँ पे लिख दीजिए। फिर इसके बाद इसे उल्टे चलिए आप, क्या आ रहा है, रूट 3/2, फिर क्या आ रहा है, 1/√2, फिर क्या आ रहा है, 1/2, फिर क्या आ रहा है, 0। क्या आ गया, ये कॉस का आ गया। कॉस के लिए क्या करना है, साइन का उल्टा, यानी इधर से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे लिखना क्या लिखना, इधर से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। कर दिया, ये हो गया। अब आपको पता है केवल एक से ही हम सारे ज्ञात कर लेंगे, ये ज्ञात किया, इसे हमने कोस ज्ञात कर लिया, ये आ गया कोस। अब टेन, टेन आपको पता है क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, यानी साइन में जब कोस का भाग देते हैं तो टेन आते हैं। ये क्या है, साइन 0 डिग्री, ये क्या है, कोस 0 डिग्री। आगे बात सुन, ये साइन 0 डिग्री का मान है, ये कोस 0 डिग्री का मान है, तो टेन 0 डिग्री का मान क्या आएगा, साइन बट्टा कोस, यानी 0/1। 0/1 क्या होगा, वापस 0 ही होगा। आगे बात, ये साइन 30 डिग्री का, ये कोस 30 डिग्री का, तो टेन 30 डिग्री का, टेन 30 डिग्री का मान क्या है, साइन बट्टा कोस, तो 1/2/√3/2, यानी कि 1/2 में भाग देना है √3/2 का, तो 2 से 2 नीचे वाला, नीचे से नीचे वाला क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा √3। आगे बात, टेन 45, साइन 45 में भाग देना है कोस 45 का, तो क्या आ जाएगा, टेन 45 आ जाएगा, तो 1/√2/1/√2 क्या आ गया, 1। आगे बात सुने, और टेन 60 यानी साइन 60 में कोस 60 का भाग दे दीजिए, तो नीचे वाले से नीचे वाला कैंसिल हो गया, ऊपर क्या है √3 और नीचे क्या 1, तो बटा में 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब टेन 90, साइन 90 में कोस 90 का, साइन 90 का मान 1, कोस 90 का मान 0, तो 1 में 0 का भाग देंगे, तो किसी में भी 0 का भाग देते हैं संख्या में तो क्या आता, अनंत। आगे बात सुने, तो ये किसका मान आ गया, टेन का मान आ गया, किसका मान आ गया, टेन का मान आ गया। अब देखिए, टेन का मान निकाल लिया, तो कोट का मान निकालने का तरीका क्या है, या तो कोस बटा साइन कर दो, या फिर ये जो टेन का लिखा है इसका उल्टा लिख दीजिए, यानी इधर से लिखना स्टार्ट, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3, फिर 0। आगे बात समझ में, ये हो गया कोट का। अब सेक, सेक का क्या लिखोगे, सेक का करना है, सेक क्या होता है, कोस का उल्टा होता है। आगे बात में, तो ये रहा कोस 0 डिग्री, तो सेक 0 डिग्री क्या होगा, इसका उल्टा, यानी 1/1, क्या आ गया, 1। आगे बात में, और सेक 30 डिग्री, ये रहा कोस 30, इसका उल्टा, यानी √3/2 का उल्टा क्या होगा, 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2/1, तो बटा में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। 1/2 का उल्टा 2/1, यानी 2/1 लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, 0 का उल्टा 1/0, इसका उल्टा लिखना है ना, यानी इसका व्युत्क्रम, यानी सेक क्या होता है, 1/cos होता है, यानी कि 1/cos, cos 0 क्या है, cos 90 क्या है, 0, तो 1/0 क्या होता है, इन्फाइनेट। आगे बात समझ में, अब देखिए, अब आपको ज्ञात करना है cosec, तो cosec का ज्ञात करने का तरीका यह है कि आप साइन का उल्टा कर दो, क्या कर दो, साइन का उल्टा कर दो, या फिर ये जो रिजल्ट आया है, ये जो रिजल्ट आया है इसको उल्टे क्रम में लिख दीजिए, यहाँ से इन्फानेट, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया √2, ये क्या हो गया 2/√3, और ये क्या हो गया 1। आगे बात समझ, तो ये है तरीका सारणी। ये सारणी आपको याद होनी चाहिए, सीधे मुंह पे याद होनी चाहिए, सीधा पूछ लिया कि 10 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो फट से याद होना चाहिए 10 60 डिग्री का मान √3 होगा। आगे बात सुनने, साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होगा, कोस 60 डिग्री का मान क्या होगा, 1/2, कोस 30 डिग्री का मान √3/2, तो ये सारणी आपको मुंह पे याद होनी चाहिए। आगे बात सुनने, तो ये हो गया, डिग्री माप को रेडियन में कैसे चेंज करना है, उस डिग्री माप को पाई बटा 180 से गुणा कर दीजिए तो रेडियन माप आ जाएगा। रेडियन माप को डिग्री माप में कैसे गुणा करना है, रेडियन माप को 180/π से गुणा कर दीजिए, डिग्री माप में आ जाएगा। आगे बात समझ, क्लियर है? तो नॉर्मली यहाँ पर हम डिग्री माप ही ज़्यादा काम में लेंगे। आगे ने बात समझना, तो ये बन गई आपकी सारणी, क्लियर है?
तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर कोई चीज़ समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।